हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले बहुत से स्कूल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको आई बटन में शो हो जाएगा, वो चीज़ें आप जरूर देखें। और वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप लाइक बटन जरूर दबाया करें दोस्तों, और उससे मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में जो भी आप इस चैनल पे बहुत सी चीज़ें आपके डिस्कस करेंगे, तो क्या वो आप भी चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी पीडीएफ्स भी शेयर कर दी जाएंगी। दूसरा, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पता लग सके कि आपके ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट में क्या बताना चाहते थे। आपकी सबसे पहले तो ब्रिटेन स्कूल जो आपका है, वो आपका भूगोल का विकास तब हुआ जब 1830 में आपका जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये जो रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी है, वो ब्रिटिश स्कूल का पूरा एरिया है। इसी के आसपास पूरा का पूरा जो आप ब्रिटिश स्कूल है, वह उसका विकास मिलता है, उसका अस्तित्व मिलता है, राइट। फर्स्ट स्कॉलर की बात करें तो ब्रिटिश स्कूल में आपके आते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो रॉबर्ट डार्विन आपको सभी को पता होगा कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के आधार पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज आप सभी को पता होगा कि आपका डार्विन के द्वारा दिया गया है। बुक्स की बात करें तो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स बनती हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सॉल्यूशन बुक बनती है, आपके द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरल रीफ, जो प्रवाल भीती है उसका स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो चीज़ें आपके डिस्कस की थी। और आपका मॉडल भी है कोरल रीफ पे इनका, राइट। डिसेंट ऑफ मैन एंड सोल्यूशन इन रिलेशन टू सी, इनकी बुक मिलती है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स आपकी मिलती हैं। पैट्रिक गैडिस आप सेकंड नंबर पे आते हैं। पैट्रिक गैडिस आपके जो हैं, उन्होंने कनर बेसिन है या सन्नगर है वो आपके कोइन किया था। तो ये सबसे ज़्यादा गैडिस का काम देखने को मिलता है, आपका कनर बेसिन आपको पढ़ते हैं वो ही इनके द्वारा दिया गया था। मैकेंडर का नाम आता है थर्ड नंबर पे। मैकेंडर को आप सभी जानते होंगे और ये ब्रिटिश स्कूल के फाउंडर मिलते हैं, संस्थापक मिलते हैं। इनके द्वारा ही आपका ब्रिटिश स्कूल है वो आपका बनाया गया था या फाउंड किया गया था, ठीक है। संस्थापक यही मिलते हैं। फोकस इनका हिस्ट्री पर था। और इनके आर्टिकल्स की बात करें तो ज्योग्राफिकल पोएट ऑफ हिस्ट्री आपका जो 1904 में आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इतिहास की भौगोलिक दूरी इसको हिंदी में कहते हैं। 1919 में आया डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ रियलिटी, और इसमें सबसे पहले जो हार्टलैंड आपका वर्ड है वो यूज़ किया गया था। आपका हार्टलैंड वर्ड है वो आपका कोइन किया गया जेम्स फ्लेयर ग्रू के द्वारा। तो जेम्स फ्लेयर ग्रू के द्वारा यह हार्टलैंड वर्ड आपका कोइन किया गया, लेकिन सबसे पहले उससे को यूज़ किया आपके हार्टलैंड को आपके डेमोक्रेटिक आइडियल्स ऑफ एंड रियलिटी में, तो 1990 में इसको यूज़ किया, राइट। तो ये आपको याद होगा, याद रहेगा, ऐसी आशा करता हूँ। बुक्स की बात करें तो ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सी आपका जो 1902 में आपकी बुक आई, ज्योग्राफिकल पाइट ऑफ हिस्ट्री आपके 1904 में आई, नेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड आपके 1924 में आई, और राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग पीस आपके 1943 में आई। तो दोस्तों एक बात तो ये है कि आपके जो ये बुक है और ये बुक है और 1990 वाली बुक है, वो तीनों बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर जब उठाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हर्बर्टसन। तो हर्बर्टसन आपके रीजनल ज्योग्राफर हैं और इन्होंने वर्ल्ड को आपके 15 नेचुरल रीजन्स में आपका डिवाइड किया था, ठीक है। तो आपसे यही पूछ लिया जाए कि 15 नेचुरल रीजन्स में किसने डिवाइड किया था पूरे वर्ल्ड को, तो आपके हर्बर्टसन ने किया था। और इनकी बुक की बात करें तो मैन एंड हिज वर्क आपकी 1911 में आई, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मेजर नेचुरल रीजन्स आपकी 1905 में आई, और ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश लेक्स हैं वो भी आपकी बुक है। तो तीन बुक्स इनकी इंपॉर्टेंट है, मैन एंड वर्क आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक मिलती है, राइट। तो इसके बाद आते हैं फिफ्थ जो स्कॉलर है वो आपके चिशोल्म आते हैं। चिशोल्म इकोनॉमिक ज्योग्राफर है और इनकी बुक भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर ही मिलती है, जो कि आपके 1908 में आई थी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कौन कैस किस पे वर्क था, क्या था। रॉक्सवी की बात करें तो रॉक्सवी का मेनली जो वर्क है वो आपका चाइना में मिलता है, और इनकी जो हैंडबुक है वो भी आपके चाइना के मिलती है, ठीक। बुक की बात करें तो आपके स्कोप एंड एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इनकी बुक मिलती है रॉक्सवी साहब की। इसके बाद आते हैं फोसेट साहब। तो फोसेट साहब ने इंग्लैंड के जो भी बड़े बड़े नगर हैं, जो भी बिग बिग आपके जो टाउन्स हैं उनकी, उनको सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विंग एरियाज के आधार पर कार्यात्मक प्रदेशों के का मानचित्र तैयार किया था। मतलब ये आपका मैप बनाया था, जो भी आपके बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े जो भी टाउन्स हैं उनके सर्विंग एरियाज के आधार पे कार्यात्मक प्रदेशों का मानचित्र इन्होंने तैयार किया था, राइट।
तो आपसे पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड के बड़े बड़े नगरों का किसने मानचित्र आपका तैयार किया, तो आपका फोसेट साहब ने किया। 8th नंबर के आते हैं वुलरिज। तो वुलरिज की बहुत इंपॉर्टेंट बुक बनती है वो आपकी स्प्रिट एंड प्रपोज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत बार पूछी गई है, इसको स्टार लगाकर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ज्योग्राफी ज्योग्राफर एज ए साइंटिस्ट इनकी बुक दूसरी आती है। एल्डी स्टैम्प की बात करें तो इनको सर की उपाधि मिली हुई थी, ये आपके जो ब्रिटेन स्कूल इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल यूनियन है उसके अध्यक्ष भी मिलते हैं। जो बुक्स की बात करें तो आपका डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी और आपका संसार का सामान्य भूगोल इनकी बुक मिलती है। लैंड ऑफ ब्रिटेन इट्स यूज एंड इट इज इट्स मिस यूज इनकी बुक मिलती है। तो तीन आपकी इनकी इंपॉर्टेंट बुक बनती हैं, राइट। तो आपको पता लगा होगा कि एल्डी स्टैम्प की कौन सी बुक मिलती है। आपके चोड़ले साहब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 10th नंबर पे आपके जियोफोलॉजिस्ट हैं और ये आपके 1927 से 2002 तक आपका इनका पीरियड रहता है। पीटर हैगेट की बात करें तो ये ह्यूमन ज्योग्राफर हैं, इनकी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, लोकेशनल एनालिसिस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और बहुत ज़्यादा पूछी गई है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपकी ज्योग्राफी एक ग्लोबल सिंथेसिस बुक मिलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप ये भी ज़रूर ध्यान दें। और ज्योग्राफर आर्ट द ज्योग्राफर्स आर्ट 1990 में इनकी बुक अदर आई थी। तो ये दोनों जो बुक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बनती हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पीटर हार्वे की बात करें तो पीटर हार्वे की बुक आपकी एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी मिलती है, दूसरी बुक आपकी सोशल जस्टिस एंड द सोसाइटी मिलती है। तो दो इंपॉर्टेंट बुक्स बनती हैं और आपके जो पूरा का पूरा ब्रिटिश स्कूल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आप कैसे भी आपको याद होता है वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं और बाकी कोई भी अल्टरनेटिव इसका नहीं है, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन है। इसमें सिर्फ आपको जो भी पर्सन आपको डिलीवर करेगा वो इतना ही है कि फिल्टर आउट करके बहुत अच्छी 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 वीडियोस आपके साथ डिलीवर कर सकता है, इसके अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन है, आपको ही याद करना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो आपके साथ मैं डिलीवर करता रहूँगा और आपका एक स्कूल और भी बचा है, फिर आपका इंडियन स्कूल भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो एक तरीके से जो भी आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल थॉट बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो सेक्शन है वो आपका डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके अलावा आपके जो टेलीग्राम चैनल पे एक पोल भी क्रिएट किया है कि इसके बाद आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो उन पे आप जाकर अपना वोट भी ज़रूर दें ताकि मुझे पता लग सके कि आपको किस कंटेंट पे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, राइट। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।